हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेंट न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के अपडेट के बारे में, स्पाइडरमैन के अपडेट के बारे में। और जो अपडेट आज मेरे को मिले हैं वो है प्रूफ के साथ कि हाँ, इन फ्यूचर हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है गमूरा का। इसमें हमें ये पता चलता है कि टाइम ट्रैवलिंग होगी। तो जैसा कि आप रिसेंट में जो इमेज देखने वाले हो, उसमें हमें ये पता चलेगा कि आपने जो गार्डियन द गैलेक्सी में गमूरा का कॉस्ट्यूम देखा था, वही सेम कॉस्ट्यूम हमें मार्वल स्टूडियो की एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की शूटिंग के दौरान देखने को मिला, जिसमें कि उसके कॉलर का सेम पैटर्न बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि टाइम ट्रेवलिंग होगी। देन उसके बाद अगला अपडेट है कैप्टन अमेरिका का। तो कैप्टन अमेरिका का जो कॉस्ट्यूम है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जो वो फट गया था, और देन उसके फटने के बाद हमें जो उसके अंदर का पैटर्न दिखा, इससे ये पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका पे एवेंजर 4 में न्यू कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, जो कि फिशिंग कॉस्ट्यूम होगा, जो कि एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट आर्ट है, आपको इन फ्यूचर देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला अपडेट है स्पाइडरमैन का। तो निक फ्यूरी फाइनली रिटर्न हो रहे हैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद, कैप्टन मार्वल के बाद, अब स्पाइडरमैन मूवी में। उन्होंने अभी हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक छोटा सा पिक डाला, जिसमें कि उनका मेकअप का सामान और देन उनकी दाढ़ी मूछ रखी हुई थी, जो कि उनका एक ऑफिशियली निक फ्यूरी रिटर्न एक इमेज है। तो गाइस, ये थे वो तीन कमाल के अपडेट। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखा, या तो उस पर जगरनॉट के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।